आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना फ्रेंड्स, वेलकम। so the question is which of these phases of the menstrual cycle is correctly matched with its period first menstrual phase first to fourth day second proliferative phase fifth to 13th day थर्ड ओव्यूलेटरी फेज फोर्टीन डे फोर्थ ल्यूटल फेज फिफ्टींथ टू ट्वेंटी एट डे तो गाइज यहाँ पर हमें डिफरेंट फेज ऑफ मैंसुल साइकिल दे रखे हैं और उनकी ड्यूरेशन दी है ठीक है सो so हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है ठीक है सो so गाइज हमें पता है कि इन ह्यूमन फीमेल्स जो so, मैंस्ट्रेशन है इट इज़ रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन डेज ठीक है एंड द साइकल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मैं टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मैं साइकिल तो भाई मतलब क्या है जो मैं रहती है फीमेल में वो ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन डेज का इवेंट रहता है मतलब क्या रहता है वो रिपीट होती है इसमें ठीक है तो गाइज जो साइकिल रहती है बिटवीन बिटवीन आप वन मैं टू अदर उस साइकिल को हम मैं साइकिल कहते हैं ठीक है तो गाइस इस मैंसुरल साइकिल के अलग अलग फेजेस रहते हैं ये जो साइकिल है गाइस ये स्टार्ट होती है विद मेंस्ट्रुअल फेज ठीक है जो कि होती है अबाउट फर्स्ट टू फोर्थ डे ऑफ मैंसुर साइकिल एंड इट लास्ट फॉर अबाउट थ्री टू फाइव डेज ठीक है सो so गई ये जो मैंसुरो रहता है इट इज रिजल्टेंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंडो मेटेरियल लाइनिंग ऑफ यूटेरिस एंड ब्लड वेसल्स ठीक है सो गई एज वी नो कि फर्टिलाइजेशन के लिए यूटेरस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ठीक है एंडोमेटेरियल की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है तो गाइस क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में वो जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी उनका भी ब्रेक डाउन हो जाता है ठीक है सो गाइस दिस इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड टू विजाइना ठीक है सो इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं देन गाइस मैंस्ट्रेशन तभी होती है अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होता ठीक है सो लैक ऑफ मैंसुरेशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है अगर मैंसुरेशन नहीं हो तो हो सकता है गाइस ये एक इंडिकेशन हो प्रेगनेंसी का राइट लेकिन स्ट्रेस पुअर हेल्थ और भी कॉज होते हैं अगर मैंसुरेशन नहीं हो रहा तो इसको हम एज अ कन्फर्म सिग्नल नहीं कहते प्रेगनेंसी का ठीक है देन गाइस उसके बाद जो फेज आता है इट इज फॉलिकुलर फेज ठीक है सो so, गाइस ये जो होता है ये रहता है अबाउट फिफ्टींथ टू थर्टींथ डे ऑफ मैं साइकिल ठीक है सो so गैस इसमें क्या होता है ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स ठीक है सो so गैस हमारी ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो ग्रो करते हैं इन सेकेंडरी फॉलिकल देन टर्शरी फॉलिकल एंड देन फाइनली इंटू फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल ठीक है सो so गाइस ये इवेंट्स होते हैं हमारे फॉलिकुलर फेज में ठीक है सो गाइस दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स तो गाइस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी ओवरी से और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है सो गाइस बेसिकली जो pituitary, pituitary से जो हार्मोन्स आते हैं ठीक है so ये दोनों जो हॉर्मोन है फॉर फॉलिकुलर डेवलपमेंट ठीक है एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल्स ठीक है सो गाइस जो फोर्टींथ डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दैट मीनस मिडिल ऑफ द साइकिल उस टाइम क्या रहता है ये जो एल एच और एस एस एच का लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है इट अटेंड्स अ पीक लेवल ठीक है सो so गैस इसको हम क्या बोलते हैं एल एच सर्ज कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है ये इंड्यूस करवाता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल सो so गैस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से हमारा ओवम रिलीज होता है क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारा ओवम रहता है वो रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन सो so गैस ओव्यूलेशन जो होता है वो होता है ऑन फोर्टीनथ डे ऑफ मैं साइकिल विच इज मिडिल ऑफ मैं साइकिल ठीक है देन गाइस उसके बाद आता है हमारा ल्यूट्रियल फेज ठीक है जो ल्यूट्रियल फेज रहता है गाइस वो फिफ्टींथ टू ट्वेंटी एथ डे तक रहता है ऑफ मैं साइकिल ठीक है सो so गाइस इसमें क्या रहता है जो अब हमारा ओवम रिलीज हो चुका है ठीक है सो so गैस जो रेमिनेंट पार्ट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल रहते हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है सो so गैस ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है हमारा प्रोजेस्टिरोन हार्मोन, इन वेरी लार्ज अमाउंट ठीक है So guys, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है इसका मेजर रोल होता है हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ठीक है सो इट इज इजेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक है और एंडोमेट्रियम जो है वो नेसेसरी है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम ठीक है एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है सो so गई प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी इवेंट्स होते हैं मैं साइकिल के वो रुक जाते हैं एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो पूरे टाइम सस्टेन रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ठीक है अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन हमारा पहला बोला गया है फर्स्ट इज मैंसरल फेज सो गाइज फर्स्ट टू फोर्थ डे सो गाइज़ ये फर्स्ट टू तो फोर्थ डे होता है तो ये सही मैच है देन तो पॉलीफरेटिव फेज जो है वो फिफ्थ टू तो थर्टीन डे होता है तो ये भी सही है ओव्यूलेटरी फेज जो है गाइज वो कब रिलीज होता है हमारा ओवम इन द मिडिल ऑफ द साइकिल विच इज़ फोर्टीनथ डे सो गाइज़ ये भी सही है देन हमारा बोला गया ल्यूटियल फेज सो ल्यूटियल फेज फिफ्टीन टू ट्वेंटी ये भी सही है ठीक है सो so, ये जो चारों फेजेस हैं ये बिल्कुल करेक्टली मैच विद इट्स ड्यूरेशन और पीरियड राइट सो गाइज इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा फोर्थ जहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों ऑप्शन सही हैं चारों फेजेस के बारे में सही बात की गई है थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन्स और एडवांस के लेवल तक मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट या व्हाट्सएप कीजिए आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर